नमस्कार सर, नमस्कार सर। चलिए आज एक नरेंद्र को दूसरे नरेंद्र से बात करने का मौका मिल गया। सर ये तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा नरेंद्र जी बताइए, आप तो जयपुर के रहने वाले और इधर बुंदेलखंड में आकर के बैठे हो और हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, और बुंदेलखंड तो पानी के अभाव के कारण जाने जाना वाला इलाका है। आपको ही आपका राजस्थान, आपका जयपुर और ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज्यादा वहां पर ये इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अभी इतना प्रयोग नहीं है, परंपरागत खेती ही होती है इधर। और राजस्थान में मसालों की ज्यादा खेती होती है, जबकि बुंदेलखंड तिलहन और दलहन का प्रमुख क्षेत्र है सर। आपको क्या लगता है कि आप जब ये हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, अब फल तो सीजनल होते हैं और इनको लंबे समय तक स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? सर हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं और अपने विश्वविद्यालय और उद्योगों से जुड़कर प्रायोगिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, और स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के तहत हमने व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके यहाँ कभी चर्चा हुई क्या, जैसे हमारे देश में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट यानी बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी होटल में आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर देखा जाता है, फल खाया जाता है। पिछले दिनों हमारे कच्छ के किसानों ने रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत ही जहाज मैंने आज तक जितने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं उसमें मुझे कच्छ से जो बनाए किसानों ने मेहनत करके तैयार किया है, सचमुच में क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो भारत बाहर से न लाएं, हमें यहाँ उत्पादन करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल, अगर हम सब साथ, सारे विश्वविद्यालय साथ मिलकर अगर प्रयास करें तो ये बिल्कुल संभव है सर। चलिए आप बहुत आशावादी हैं नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद सर।